आईपीएल 2020 को खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, वहीं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे बिके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विराट कोहली 17 करोड़ रुपए। टीम इंडिया और आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। किंग कोहली को साल 2018 में आरसीबी की टीम ने 17 करोड़ की मोटी रकम खर्च करके टीम में रिटेन किया था, क्योंकि विराट कोहली आईपीएल में बेंगलोर के लिए सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। वहीं कोहली आरसीबी के साथ आईपीएल के पहले सीजन से ही जुड़े हुए हैं। दूसरा युवराज सिंह 16 करोड़ रुपए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। यूवी आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर हैं। साल 2012 में आईपीएल सीजन 8 के दौरान दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम ने युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। यूवी उस सीजन के सबसे महंगे आईपीएल खिलाड़ी भी बने थे। तीसरा पैट कमिंस 15.5 करोड़ रुपए। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पिछले साल आईपीएल 12 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को आईपीएल नीलामी के दौरान 15.5 करोड़ रुपए अदा करके खरीदा था। कमिंस पिछले साल आईपीएल के सबसे महंगे बिकने वाले क्रिकेटर बने थे। चौथा महेंद्र सिंह धोनी 15 करोड़ रुपए। आईपीएल के बेहतरीन कप्तान के तौर पर मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस लिस्ट में शामिल न हो तो यह संभव नहीं है। धोनी को साल 2018 के दौरान आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। धोनी ने अब तक अपने नेतृत्व में चेन्नई को 3 बार आईपीएल का चैंपियन भी बनाया है। पांचवा रोहित शर्मा 15 करोड़ रुपए। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की किस्मत अपनी कप्तानी के दम पर चमकाने वाले रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास के 5वें सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। साल 2018 में मुंबई इंडियंस ने हिटमैन रोहित शर्मा को 15 करोड़ भारी रकम के साथ टीम में रिटेन किया था। दरअसल मुंबई में रोहित का रहना बनता भी है, क्योंकि रोहित शर्मा की ही कप्तानी में मुंबई ने अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। D3 न्यूज़।